मैं अच्छे अच्छे फिटनेस वीडियो लाते रहता हूँ जो फिटनेस में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और ऐसे फीमेल बॉडी बिल्डर से मेहनत करने में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं जो दुनिया को काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और अच्छे फिटनेस और वीडियो में कॉम्पिटिशन और के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम टू जिम में देती हैं। ऐसे वर्कआउट करने के बाद अपने आप मेंटेन काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाते हैं। बॉडी बिल्डर से फीमेल हो या मेल हो, मेंटेन तो सब करते हैं और जिम में टाइम देना होता है तो पुरुष मेल भी आजकल काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है, फीमेल भी आगे निकल चुका है। मतलब कुछ दिन समय में फीमेल काफ़ी ज़्यादा जिम में आगे निकल चुके हैं। हर फीमेल भी कोशिश करें फीमेल बॉडी बिल्डर में करियर बनाने के, और अच्छे फिटनेस होने के बाद करियर तो सबको बन जाता है। फिटनेस में मेहनत करो, करियर अपने आप बनेंगे। जस्टिन अल्बर्ट एक जानी मानी बॉडी बिल्डर में से एक है जो अपने फिगर प्रो रह चुके हैं और फिटनेस में काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन खेल चुके हैं। और जस्टिन अल्बर्ट इतने स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पर है जो फिटनेस में इसकी काफ़ी पहचान है जस्टिन अल्बर्ट की, और ये अपने आप में एक मेंटेन काफ़ी ज़्यादा और उम्रदार भी है। इसकी बात करो उम्र के तो 41 के लमसम में है। ये IFBB प्रो है, ये एक फिगर प्रो के वजह से काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन और खेल चुके हैं। ये 7 कॉम्पिटिशन में बिगिनिंग कॉम्पिटिशन में नंबर 1 पर आए हैं और विनर भी रह चुका है। इसकी स्पॉन्सर सप्लीमेंट के स्पॉन्सर काफ़ी ज़्यादा करते हैं और इस हिसाब से इसके अर्निंग होते हैं। वो अर्निंग इसकी काफ़ी से सप्लीमेंट काफ़ी ब्रांड के साथ कोलाबरेशन करते हैं, उसके साथ भी हम काफ़ी होते हैं ये ब्रांड के साथ काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सर करते हैं और काफ़ी सारा ब्रांड के छोड़ते रहते हैं और हमेशा 5 दिन तक जिम करते हैं और जिम में काफ़ी ज़्यादा सप्लीमेंट हफ्ते में सिर्फ 3 दिन सप्लीमेंट ही लेते हैं। सप्लीमेंट के साथ साथ काफ़ी कुछ ऐसे लेते हैं और फास्ट फूड भी लेते हैं और फास्ट फूड के साथ काफ़ी ज़रा ये अपने आप में मेंटेन करते हैं। और जिम के बाद के जो टाइम के तो 3 घंटा पर डे जिम करते हैं और 3 घंटा जिम करने की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट इसकी लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाते हैं। और हमारे चैनल पर नए हो गए तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के संग शेयर कीजिएगा, अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।